सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है टिशा सिंगला एंड मेरा नीट 2021 स्कोर है 654। एंड आज मैं फिर से आपकी केमिस्ट्री की डिस्कशन कराने आई हूँ। आपको पता होगा हमारा टॉपिक था एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो वैसे ये चैप्टर बेसिकली आपको एनसीईआरटी से ही रीड आउट करना है, बट आपको जो भी इन्फॉर्मेशन याद करनी है वो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से याद होगी। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट्स आपके सारे ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है, बट अगर कहीं पर एक्सप्लेनेशन होगी तो मैं आपको वो भी दे दूँगी। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बींग टू प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट। अब आप जब सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा, यूजिंग प्लास्टिक बैग जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, इट इज़ नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू सेव आर एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BOD stands for, BOD आपने बायो में भी पढ़ा होगा, BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो आपका आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमोसफेयर बिटवीन 10 किलोमीटर्स एंड 50 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल इज कॉल्ड, वो हमारी होती है स्ट्रैटोस्फेयर। ये सारी लेयर्स में आपको बस ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रैटोस्फेयर मेन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स टू वाटर बॉडीज कॉज, ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार, एनहांस ग्रोथ ऑफ एल्गे, ये हमें पता है क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स अप्लाई होंगे तो प्लांट ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ये गलत है। जो एल्गे है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी गलत है, और इंक्रीज इन फिश पॉपुलेशन, ये भी गलत है। जो फिश पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करेगी क्योंकि जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन, ये हम भी छोटी क्लास ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसका आंसर हमारा हमेशा ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स। अब आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बार बार पूछता है, और इसका आंसर SO2 है, ये भी आपको याद रखना है, ये NCERT में आपका मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट इज, ये आपका आएगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अब सनलाइट में क्या होगा, जो आपने रेडिकल रिएक्शन पढ़ी होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन, वहाँ पे हमारा जो लाइट होता है वो रेडिकल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और रेडिकल फॉर्मेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसका आंसर है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज, इसका आंसर 3 ppm है, ये भी आपको याद ही रखना है, एक टेबल बनी हुई है NCERT में, आपको वहाँ से सारी वैल्यूज याद करनी है। ताजमहल इज बींग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू, ये भी आपको पता है एसिड रेन है इसका आंसर। एसिड रेन कब होती है, जब हमारा एयर में SO2 और NO2 का वो लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज यूज इन ड्राई क्लीनिंग इज बेटर स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसका आंसर CO2 है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन, बस इसमें यही है फैक्चुअल क्वेश्चन है और CO2 इसका आंसर होगा, ये भी आप याद रखो। यही है कि इस चैप्टर की आप NCERT जितनी बार पढ़ोगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चंस को रिपीट करो, आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, फैक्चुअल चैप्टर है एकदम, और फैक्ट्स अच्छे से याद रखो, बस मेन यही टिप है इसके लिए। थैंक यू।